हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग का झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है जो स्पेशल चौकीदार के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, देवघर, रांची, हजारीबाग, जामताड़ा, साहेबगंज, सरकला, खरसावा, कहीं से भी है, किसी भी जिला से आप हैं जहाँ पर चौकीदार का एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम लोग दो वीडियो के माध्यम से हम लोग 56 तक यानी 56 प्रश्नों को लोग देख चुके थे। आज हम लोग 57 से शुरुआत करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग पूरा सीरीज को देख लेते हैं, जितना भी सीरीज हम बना रहे हैं, जितना सीरीज में खत्म होगा, ठीक है, सबको अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, तब यकीन मानिए दोस्तों, आपका झारखंड बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है? तो आइए आज का वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या प्रश्न है। झारखंड राज्य गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? जब झारखंड राज्य बन रहा था दोस्तों, उस समय कितना जिला था? 18 जिला था। लेकिन बाद में कितना जिला बना? लखनऊ बनने के बाद देखिएगा 6 जिला बना। तब ना अभी दोस्तों 24 जिला है, तो समय 18 जिला, जब झारखंड तो समय 18 जिला था, बाद में बना 6, तो मिला के 24 हो गया। तो 24 जिला अभी प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है? तो यहाँ पूछा गठन के बाद कितना जिला का निर्माण किया गया, यानी गठन किया गया, तो 6 जिला गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगर आप लोग सच में चाहते हैं चौकीदार का नौकरी करना, तो दोस्तों आप लोग जरूर संपूर्ण नोट्स को खरीद लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इसको काफी मेहनत से बनाया गया है, और आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, चलिए हम एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा जिला नोट्स, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं वहां का संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा इस नोट्स के माध्यम से। दूसरा है झारखंड जीके नोट्स, आप लोग झारखंड जीके का नोट्स ही मिलेगा, ठीक है? तीसरा सामान्य अध्ययन का नोट्स, आप लोग को सामान्य अध्ययन का नोट्स भी दिया जाएगा। पांचवा है 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा आप लोग को, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो नॉलेज है उसको जांच सकते हैं कि आप कितना प्रश्न बना पा रहे हैं 50 में, ठीक है? और आपको 50 प्रश्न में कितना समय लग रहा है, सारे कुछ आपको पता चलेगा जब आप लोग 5 प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। साथ में आप लोग मिलने वाला है गणित, ठीक है? आपको पता है दोस्तों गणित सभी जिला में नहीं पूछा है, जहां जहां चौकीदार का एग्जाम हुआ है हर जगह नहीं पूछा है, सिर्फ 2 से 3 जगह पूछा हुआ है, ठीक है? इसलिए हम गणित को ज्यादा प्रीफर नहीं करेंगे आप लोग को। गणित सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, और उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ लेना है, ठीक है? आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों? मैं दूंगा, ठीक है? अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ चौकीदार का, उसमें से जहां जहां गणित पूछा है, सारा प्रश्नों को एक जगह करके और सॉल्यूशन के साथ उसमें सॉल्व किया रहेगा, ठीक है? सॉल्यूशन क्या रहेगा और उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को हम ऐड कर देंगे और आप लोग ये मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा दोस्तों, गणित काफी हो जाएगा, क्योंकि गणित से प्रश्न वही पूछता है जो आसान है, जैसे कि जोड़ घटाओ, गुणा भागा, लेन देन से संबंधित प्रश्न पूछता है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक है? दूसरा छठा नंबर है 200 झारखंड जीके एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई एमसीक्यू रहेगा, 200 आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है? अगर आप लोग झारखंड जीके नोट्स को नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर आप लोग 200 प्रश्नों को भी लास्ट में कर लेते हैं दोस्तों, तो लगभग आपका 70% काम बन जाएगा। उसके बाद पूछा गया प्रश्न दे देंगे आप लोग को, जो भी अभी तक एग्जाम हुआ है जिस भी जिला में, ठीक है? वहां पर कैसा प्रश्न पूछा है आप लोग खुद से अपने आंखों से भी देख लीजिएगा। इसलिए आप लोग हम क्या करेंगे, 3, 4 या 5 जिला का आप लोग को हम जो है पूछा गया प्रश्न आप लोग को दे देंगे, ठीक है? और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप कोर्स को लीजिएगा, ठीक है, तब आप लोग को डाउट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप लोग एक डाउट ग्रुप बन रहा है, ठीक है, बना दिए हम, तो उसमें आप आसानी से डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? आसानी से आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इतना कुछ फैसिलिटी दोस्तों आप लोग को कोर्स के अंदर मिल रहा है, ठीक है? सबसे मेन चीज दोस्तों डाउट ग्रुप, इसमें अगर आप लोग जुड़ गए दोस्तों, तो काफी सारा डाउट आप लोग का क्लियर होगा, और दोस्तों हम लोग सभी को मिलकर डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है हर जगह अलग अलग डेटा दिखाता है, कहीं कुछ दिखाता है, तो सभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, सबको मिलकर डाउट को क्लियर करेंगे। अगर कोई चाहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना, तो वो भी ले सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा और डाउट ग्रुप भी इसमें दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, लेकिन हम तो यही आप लोग को प्रेफरेंस करेंगे कि आप लोग संपूर्ण नोट्स ले लीजिए, क्योंकि इसी के अंदर आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, तो फिर क्यों आप लोग अलग से प्रैक्टिस सेट लीजिएगा? इसी के अंदर आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है? तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 58 नंबर, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिले गठन किया गया, हम जैसे देखें 4 नया जिला बना गठन हुआ है, दोस्तों 6 जिला गठन किया गया है ना, 6 जिला गठन किया गया है, लेकिन यहाँ पर 4 ही पूछ रहा है, इसलिए तो हम लोग 4 का आंसर देते हैं। 4 कौन कौन किया गया है जी, लातेहार, हाँ लातेहार किया गया है, सिमडेगा किया गया है, जामताड़ा किया गया है, सरायकेला खरसावा किया गया है, ठीक है? और जो दो जिला किया गया है, एक रामगढ़ किया गया है, देखिएगा रामगढ़, एक खूंटी, ठीक है, ये दो जिला और किया गया, बट ऑप्शन हम लोग दिया नहीं है इसमें, दिया हुआ है दोस्तों, ढालभूमि सब नहीं किया गया,
राजमहल ये सब सब कुछ नहीं किया गया है, मधुपुर सब भी नहीं किया गया, बरही बरही सब नहीं, सब जिला ही नहीं, बरही सब जिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट दिया हुआ है चार, इसको मारिए, ठीक है। बाकी खूंटी रामगढ़ भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर खूंटी रामगढ़ नहीं दिया हुआ है, यहाँ बोला 18 जिलों के बाद चार नहीं जिले, चार ही पूछा है, तो चार ये सब मार दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितने अक्षांशीय एवं देशांतर रेखा गुजरती है, कितने अक्षांशीय और देशांतर रेखा गुजरती है। देखिएगा, अगर अक्षांश का बात करेंगे, अक्षांश रेखा, तो हम लोग अक्षांश रेखा की बात करते हैं, चार हो जाएगा, ठीक है। अगर देशांतर रेखा की बात करते हैं, तो देशांतर रेखा का बात करते हैं, तो इसमें भी चार हो जाएगा, ठीक है। चलो दोनों याद, दोनों 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 चार चार आराम से याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्रशासनिक परिचय, ठीक है। झारखंड राज्य गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, बताओ अभी, अभी इसको हम नहीं बताएंगे, चलो आप लोग कमेंट बताना, ठीक है। जब झारखंड राज्य बन रहा था समय कितना जिला था, अभी हम जस्ट बताए हैं आप लोग को, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। अरे आप लोग तो आंसर देख ही लिए होंगे, नीचे दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अगला देखो, 61, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है, देखिए झारखंड राज्य जिलों की संख्या कितना है, 24 है, कितना है अभी, 24 है। चलो आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या है, देखिए झारखंड राज्य प्रमंडल की संख्या कितना है, तो 5 है, ठीक है, 5। आगे बढ़ो वीर, तुम आगे बढ़े चलो। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडलों की संख्या थी, कितना अनुमंडल था जी, 33 है ना, 33, जब गठन हुआ तो समय 33 था, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलो झारखंड राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो अभी दोस्तों अभी कितना है, 45 है, अभी 45 है अनुमंडल, और जब राज्य बन रहा था जब झारखंड राज्य समय कितना था, 33, याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि जब झारखंड राज्य बन रहा तो समय कितना अनुमंडल था, तो 33 फटाक से मार दीजिएगा, अगर पूछे अभी कितना है, तो सीधे 45 को मार देना है, ठीक है, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर, झारखंड राज्य गठन के समय प्रखंडों की संख्या है, प्रखंड जब झारखंड राज्य बन रहा था उस समय कितना प्रखंड था, तो 212 था, उस समय कितना था, 212, 212, याद रखिएगा। बट अभी कितना है, अभी कितना है जी प्रखंड झारखंड में, तो वर्तमान समय झारखंड राज्य के प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 264, साथ साथ में याद करते चलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 57, लातेहार जिला में अवस्थित राज्य का 256वां प्रखंड यानी सबसे लास्ट बार प्रखंड कौन बना है, तो सरई बना है। ये कहाँ पर है दोस्तों, लातेहार जिला में, लातेहार जिला में एक सरई नामक, सरई नामक प्रखंड है जो सबसे लास्ट में बना है, यानी 264वां नंबर पे है, सबसे लास्ट में बना है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अधिसूचित प्रखंडों की संख्या है, देखिएगा प्रखंडों की संख्या है 131। चलो आगे बढ़े, अगला है क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या है, देखिए ग्राम पंचायत का संख्या है 4345, दम साथ साथ में चलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या है, देखिएगा अधिसूचित पंचायत संख्या कितना है, 2074। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, झारखंड राज्य में गांव की संख्या कितना है, गांव कितना है झारखंड में जी, 32,620, कितना है, 32,620 है झारखंड में गांवों की संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में जिला परिषद की संख्या है, तो जिला परिषद 24 है, 24 जिला है, 24 जिला परिषद है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर, झारखंड राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या है, जिला परिषद तो 545, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या है, तो नगर निगम कितना है झारखंड राज्य में, 9 है, कितना है, 9, बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, नगर निगम कितना है झारखंड राज्य में, तो 9 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितना है, देखिएगा 20 है, नगर परिषद कितना है, 20, देखिए यही सारा प्रश्न ही पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में नगर पंचायत की संख्या है, नगर पंचायत की संख्या दोस्तों 20 है,
20, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या है, अधिसूचित समिति समिति के क्षेत्र की संख्या है तो एक है, कितना है एक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है तो एक है, वो भी कहाँ है, रामगढ़, रामगढ़ छावनी, ठीक है एक ही है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड पुलिस का अध्येय वाक्य है तो सेवा ही लक्ष्य, झारखंड पुलिस का अध्येय वाक्य क्या है, सेवा ही लक्ष्य। और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या है तो पूरे झारखंड राज्य की बात करेगा तो दोस्तों 427 है, 427 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं फिर कल, इससे आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे कल, ठीक है 80 से आगे देखेंगे, 81 से हम लोग कल शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।